यार किसी ने क्या खूब लिखा है। यूं तो दिल समंदर से भरा है पर आंखों में नमी कभी नहीं आती। हाँ जितना तुम लोग सोचते हो ना हम लड़कों के ज़िंदगी के बारे में, हम लड़कों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। अभी पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि एक लड़का शादी के लिए जाता है तो लड़की का पिता वो सब ढूंढता है जिसे वो खुद कमाने में 50 साल लगा दिए हो। तो फिर बताओ वो लड़का 5 साल में कैसे बना पाएगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। ये लड़के वाले अगर दहेज मांगते हैं, दहेज लेते हैं तो लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, बहुत गलत कहते हैं, बहुत। कभी ये सोचा है कि लड़की का पिता जब लड़की का रिश्ता लेके निकलता है ना अपने घर से, तो सबसे ये पूछता है कि वो लड़का सरकारी नौकरी करता है कि नहीं करता है। अगर करता हो तो ठीक है भैया, और नहीं करता है तो फिर वहीं से रिटर्न हो जाता है, दूसरा घर देखने लगता है कि जहाँ उसकी बेटी के लिए सरकारी लड़का मिल जाए। तब उसको कोई गलत नहीं कहेगा? तब उसके अंदर कोई कमी नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। तब तो लोग ऐसे अंधे हो जाएंगे, उसको कोई नहीं कहेगा और सिर्फ लड़कों की गलती दिखाई जाएगी। यार घर का बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, दोनों के कंधे पर जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है? और सिर्फ अपने परिवार, अपने माँ बाप को चलाने के लिए, खुश रखने के लिए वो दूर रहता है। कितने सालों तक दूर रहता है वो तो पता ही नहीं।